नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के वित्त मंत्री की पहल पर उत्तरी राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल तथा एक राष्ट्र एक कर की पद्धति पर आयोजित उत्तरी राज्यों के वित्त मंत्रियों व आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारियों की बैठक में उत्तरी राज्यों में पेट्रोल व डीजल की दरों पर एक समानता लाने पर सहमति बनी और इसके लिए सभी राज्यों के अधिकारियों की एक उप कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी बैठक 15 दिनों में बुलाई जाएगी और यह कमेटी अपनी अपनी राज्य सरकारों को इसकी सिफारिशें देंगी। क्या डीजल में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, जानें इस वीडियो में। सरकार करने लगी है प्रयास, हरियाणा की पहल पर 6 राज्यों की हुई बैठक। आपस में राज्य में किसी प्रकार की असमानता ना हो, इस दिशा में आज ये बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों को मैं आपसे साझा करते हुए कि सभी उत्तर भारत के राज्यों में एक समान दर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो उपभोक्ताओं को लगे, इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है कि वो एक्सरसाइज करेंगे कि एक हार्मनी अचीव करने की, जो गैप है उस गैप को कम करने की। और उसी कड़ी में आगे बढ़कर के दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि हमें इससे और आगे बढ़ना चाहिए और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो लीकर का ट्रेड है, जो जीएसटी आने के बाद डीजल पेट्रोलियम की तरह से आज भी राज्यों के अधीन है, उसकी पॉलिसी में भी एक रूपता होगी तो इन उत्तर भारत की जो हमारी राज्यों की जो एक कोऑपरेशन की जो हमारी नीति है और कार्य पद्धति है ये और मजबूत होगी और आपस में रेवेन्यू लॉस नहीं हो, ट्रेड डाइवर्शन नहीं हो, इलीगल ट्रेड न बढ़े, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसको लेकर के भी निर्णय हुआ कि एक एक्साइज के अधिकारियों की एक समिति अक्टूबर के पहले सप्ताह में वो इस पर भी बैठ करके कि भविष्य में जो एक्साइज पॉलिसी बने उसमें भी कहीं ना कहीं एक समानता की दिशा में हम आगे बढ़ें, वो समिति अपना बैठक करेगी और भविष्य में इस दिशा में काम करेगी। पंजाब के माननीय वित्त मंत्री जी ने, श्रीमान मनप्रीत सिंह बादल जी ने एक और सुझाव दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर परमिट फीस और अन्य प्रकार की फीस हैं वो भी राज्यों की अलग अलग होने के कारण और ये राज्यों का विषय होने के कारण इसमें भी जो गैप्स हैं इसमें भी समानता लाई जाएगी तो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अच्छा होगा। उस नाते से आज की इस बैठक में हम अपने अपने राज्य की सरकार के समक्ष ये सुझाव प्रस्तुत करते हुए प्रयास करेंगे कि ट्रांसपोर्ट विभाग की भी बैठक आने वाले समय में अक्टूबर के माह में एक रखी जाए ताकि इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए जा सकें।